मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं बोल बिंदास। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर आपने कलाकारों की एक्टिंग तो देखी होगी, पर क्या आप जानते हो कि इस शो पर आने के लिए इन्होंने कैसा ऑडिशन दिया? बोल बिंदास आपके लिए लाया है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टार कास्ट का ऑडिशन वीडियो। लेकिन झांसी के इस घर में सब ए भगवान, इन्हें आपको कोई तो समझाओ। बाबूजी, आज से हमारी परीक्षा शुरू हो रही है। तैयारी तो खूब की है, बस अब देखते हैं क्या होता है। बाबूजी, इन दिनों आप बहुत याद आते हो। जब सुबह उठकर परीक्षा के समय आप हमारे लिए चाय बनाते थे और बड़े प्यार से उठाते थे, और जाने के समय दही खिलाकर कहते थे कि राम जी का स्मरण करके परीक्षा दें। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए बाबूजी? और जब आपने हमारे लिए सपना देखा कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर एक ऑफिस में बड़ी इज्जत से नौकरी करे, वो देखे बिना आप चले गए। पर कोई बात, हमने अम्मा के रूप में आपका चेहरा देखना शुरू कर दिया, और अब आप उनकी आंखों से अपना सपना पूरा होते देखेंगे। तो मैं चलती हूँ। एक्शन। आज डैड ने क्या मुझे कमाल की हार्ट शेप डायमंड दिखाई। अमेजिंग। इस लाइट में क्या स्पार्कल कर रहा था। शोरूम के सभी लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे, बट मैं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, याशी को प्रपोज करूंगा तो ऐसी ही डायमंड का रिंग बनवाकर। आई मीन, शी इज गोना लव इट, द लुक ऑन हर फेस एंड हर स्माइल, उसे कितनी पसंद आई है। ओ गॉड, क्या हो गया मुझे। डायमंड से लेके पार्ली जी बिस्किट तक, मेरी लाइफ की हर चीज में आशी जुड़ गई है। आई विल लव गाइस, आई ट्रूली मैडली डीपली इन लव। क्या होगा मेरा। एक्शन। आज डैड ने क्या मुझे कमाल की हार्ट शेप डायमंड दिखाई। अमेजिंग। आई मीन, उस लाइट में क्या स्पार्कल कर रहा था। शोरूम के सभी लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे, बट मैं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, याशी को प्रपोज करूंगा तो ऐसी ही डायमंड का रिंग बनवाकर। आई मीन, शी इज गोना लव इट, द लुक ऑन हर फेस एंड हर स्माइल, उसे कितनी पसंद आई है। ओ गॉड, क्या हो गया मुझे। डायमंड से लेके पार्ली जी बिस्किट तक, मेरी लाइफ की हर चीज में आशी जुड़ गई है। आई विल लव गाइस, आई ट्रूली मैडली डीपली इन लव। क्या होगा मेरा। ओ ना जी ना, नौकरी नहीं जी। और मेरी मम्मी जी तो वैसे ही कहती हैं कि नौकरी वो करते हैं जो झुकना जानते हैं, और हैरी किसी के सामने झुक जाए कदे नहीं। पूछो क्यों, और पूछो पूछो, और क्योंकि जी 4 दिन पहले स्कूटर से गिर गया था, कमर में अभी तक दर्द है, डॉक्टर ने कहा किसी के आगे भी झुकना नहीं। देखो जी, ऐसे ही मजाक नहीं जाए, पर जी अगर मेरे से वैसे पर्सनली बात पूछी जाए ना तो नहीं जी, नौकरी वोकरी मुझे नहीं पसंद जी, और वैसे भी नौकरी
करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, पर मैं नहीं, और ना ही मैंने कभी सोचा कि मैं नौकरी करूंगा। और वैसे भी सियाणों ने बहुत बड़ी बात बोली है जी कि जिस राह जाना नहीं उनके किलोमीटर क्यों गिनना। तो प्लीज आई होप तुम मेरी गल का बुरा नहीं मानोगे, तो मैं चाहता रब रखा तो मेरे दोबारा नौकरी का मत पूछना। सत श्री अकाल। कमाल है, वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईशानी, लव ऑफ माई लाइफ, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना मुझे उसे तभी से प्यार हो गया था। फिर हम दोस्त बने, बहुत अच्छे दोस्त, यहाँ तक कि वो अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मुझे शेयर करती है। मैं उसकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हूँ, पर उसके लिए मैं दोस्त हूँ, पर मेरे लिए तो वो मेरा प्यार ही रहेगी ना। मैं जानता हूँ कि हम कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि वो बड़े घर की बेटी है और मैं उसके घर का नौकर हूँ। सो आई कैन लव हर, वर्शिप हर, बट आई कैनॉट हैव हर, आई लव हर फॉरएवर। 15 languages आती है मुझे, मैं 15 languages में मम्मी पापा बोल सकती हूँ, इन्हें बता सकती हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास तो मम्मी पापा है ही नहीं, उनका प्यार नहीं है, उनका केयर नहीं है, I hate that. Why me? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे ही पेरेंट्स क्यों नहीं? टीवी जगत की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए बोल बिंदास।